हेलो फ्रेंड, द एजुकेशन पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार उपस्थित हुए हैं पार्ट ऑफ स्पीच के पांचवा भाग एडवर्ब और टाइप्स ऑफ एडवर्ब। आइए समझते हैं और डिफिनेशन से जानते हैं। चलिए एडवर्ब का डिफिनेशन देखते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब एन एडजेक्टिव एन अनदर एडवर्ब। एडवर्ब वे शब्द हैं जो नाउन तथा प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता को प्रकट करते हुए उनके अर्थों को परिवर्तित कर देते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। पहला, रोहन रन फास्ट। रोहन तेज दौड़ता है। यहाँ पे रन हमारा वर्ब हो जाएगा और फास्ट एडवर्ब। दूसरे में क्या है, सी इज़ अ वेरी गुड गर्ल। वह बहुत अच्छी लड़की है। यहाँ पे वेरी जो है वो हमारा एडवर्ब है। सब एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के प्रकार। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। क्रिया विशेषण 10 प्रकार के होते हैं। पहला, एडवर्ब ऑफ मैनर तरीके का क्रिया विशेषण। दूसरा, एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम समयवाचक क्रिया विशेषण। चौथा, एडवर्ब ऑफ नंबर संख्यावाचक क्रिया विशेषण। पांचवा है एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। छठवा है एडवर्ब ऑफ रीजन करणवाचक क्रिया विशेषण। सातवां है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन प्रतिज्ञान या निषेध क्रिया विशेषण। आठवां है एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। नौवां है इंट्रोगेटिव एडवर्ब रिलेटिव एडवर्ब यानी संबंधवाचक क्रिया विशेषण। पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर यानी तरीके का क्रिया विशेषण। आइए डिफिनेशन देखते हैं। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल अस इन व्हाट मैनर द एक्शन टेक्स प्लेस एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ और इन व्हाट नंबर। इस प्रकार के एडवर्ब कार्य के विषय के बारे में बताते हैं तथा हाउ और व्हाट से प्रश्न करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। स्लोली बैडली केयरली क्विटली ईटीसी। मोर एग्जांपल से कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। ही स्पीक केयरली। वह बहुत सावधानी से बोलता है। यहाँ पे क्लियरली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। चौथा है एडवर्ब ऑफ नंबर संख्यावाचक क्रिया विशेषण। डिफिनेशन, दिस टाइप एडवर्ब टेल्स हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफ्टन। इस प्रकार के एडवर्ब कार्य के संख्या के विषय में बताते हैं तथा हाउ ऑफ्टन से प्रश्न का उत्तर देते हैं। एग्जांपल से देख लेते हैं। वंस ट्विस ऑफ्टन सेल्डन एटीसी। मोर सेंटेंसेस से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला, आई रीड दिस बुक ट्विस। यहाँ पे रीड क्या है, वर्ब है और ये ट्विस हमारा है एडवर्ब ऑफ नंबर। पांचवा है एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। डिफिनेशन है, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब एक्सप्रेस डिग्रीज ऑफ क्वालिटी स्टेट कंडीशन एंड रिलेशन एंड द आंसर द क्वेश्चन हाउ मच इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट। इस प्रकार के एडवर्ब मात्रा तथा परिणाम के विषय में बताते हैं तथा हाउ मच एंड व्हाट डिग्री का प्रश्न का उत्तर देते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। वेरी लिटिल क्विट Almost etc. मोर एग्जाम्पल से कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला, ही इज़ वेरी क्लेवर। यहाँ पे वेरी क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी है और क्लेवर हमारा वर्ब है। छठवां है एडवर्ब ऑफ रीजन यानी कारणवाचक क्रिया विशेषण। डिफिनेशन देखते हैं। दिस टाइप ऑफ टेल्स अस द रीजन और पर्पज ऑफ द एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन वाई। इस प्रकार के एडवर्ब कार्य के कारण तथा उद्देश्य के विषय में बताते हैं तथा वाई से प्रश्न पूछते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर फोर हैंस ईटीसी। एग्जाम्पल है, मोर एग्जाम्पल से कुछ सेंटेंसेस। पहला, ही देयर फोर लेफ्ट स्कूल। यहाँ पे देयर फोर का यूज एडवर्ब ऑफ रीजन के लिए हुआ है। सातवां है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन प्रतिज्ञान या निषेध क्रिया विशेषण। डिफिनेशन देखते हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन इज द एडवर्ब विच कंटेन्स द एक्शन एंड एडवर्ब ऑफ द निगेशन इज एन एडवर्ब विच डिनिस द एक्शन इन द सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन वह एडवर्ब है जो कार्य के होने के विषय में बताता है और एडवर्ब ऑफ निगेशन वह एडवर्ब है जो कार्य के न होने के विषय में बताता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का यस सरली सर्टेनली ईटीसी। एडवर्ब ऑफ निगेशन का नो नॉट नेवर। मोर एग्जाम्पल से कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला, यस ही वॉन्ट देयर। यहाँ पे यस
एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, और दूसरा है ही विल नेवर गो देयर, यहाँ पे नेवर एडवर्ब ऑफ निगेशन है। आठवां है हमारा एडवर्ब ऑफ कंजक्शन, समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। डिफिनेशन, एडवर्ब ऑफ कंजक्शन आर यूज टू कनेक्ट टू क्लॉजेस एंड फ्रेजेस और वर्ड, इट कैन नॉट टू क्लॉजेस फ्रेजेस और वर्ड सेपरेट बाई अ सेमी कॉलन बट नॉट बाई अ कामा। एडवर्ब ऑफ कंजक्शन दो वाक्यों तथा उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। दो वाक्यों तथा उपवाक्यों को अलग करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, न कि कामा का। आइए एग्जांपल देखते हैं। आल्सो, लाइकवाइज, इंडेड, स्टिल, दस, ईटीसी। मोर एग्जांपल से कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला, इट वॉज रेनिंग देयर फोर कामा आई चेंज माई प्लान्स। यहाँ पे देयर फोर एडवर्ब ऑफ कंजक्शन है। नवा हमारा आएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। डिफिनेशन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव एडवर्ब वह एडवर्ब है जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है। एग्जांपल से देख लेते हैं। वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ मैनी, हाउ मच, एटीसी। मोर एग्जांपल से कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। यहाँ पे वेयर हमारा प्रश्न पूछ रहा है कहाँ रहते हो, तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। दूसरा है, व्हेन विल यू गो टू योर ऑफिस, तुम अपने ऑफिस कब जाओगे। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है व्हेन, तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। नवा है रिलेटिव एडवर्ब, यानी संबंधवाचक विशेषण। डिफिनेशन देखते हैं। रिलेटिव एडवर्ब आर यूज टू ज्वाइन सेंटेंस और क्लासेस। दिस एडवर्ब आर व्हेन, टाइम, वेयर कोष्टक में प्लेस एंड वाई कोष्टक में रीजन। रिलेटिव एडवर्ब वह एडवर्ब है जो दो वाक्यों तथा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तथा नोट में कुछ देख लेते हैं। रिलेटिव एडवर्ब में व्हेन, वेयर, वाई जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड को कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं। पहला, आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, मैं वह समय जानता हूँ जब वह आया। यहाँ पे व्हेन दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है व्हेन, तो ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव एडवर्ब। दूसरा है, आई नो द प्लेस वेयर ही वॉज बर्न, मैं वह स्थान जानता हूँ जहाँ पर वह जन्म लिया था। तो यहाँ पे वेयर क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो ये हमारा रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।